नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। अर्जेंटीना ने अपने सोयाबीन और उसके सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट्स का निर्यात फिर से चालू कर दिया है। जब से सोयाबीन खल और सोयाबीन तेल का निर्यात शुल्क 31% से बढ़कर 33% हुआ है, तभी से अर्जेंटीना के कृषि मंत्रालय ने खल और तेल के निर्यात को फिर से चालू करने का फैसला लिया है। अर्जेंटीना ने 21 मार्च 2022 से इसके निर्यात की फिर से अनुमति दे दी है। अर्जेंटीना सोयाबीन तेल और सोयाबीन खली का एक प्रमुख निर्यातक है और इसके इस वर्ष के निर्यात का 30% सोयाबीन कॉम्प्लेक्स से आया है, जो 2021 में सरकार के खजाने में 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान को दर्शाता है। तो ये थी बात कि अर्जेंटीना ने अपने सोयाबीन और उसके सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट्स का निर्यात फिर से चालू कर दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।